आपका स्वागत है दोस्तों। ये भाई आए हैं, क्या नाम है भाई आपका? शमशेद भाई आए हैं और लंडोरे से आए हैं, जो कि लुड़की के पास पड़ता है हमारे दोस्तों। टर्बो एक्चुअली इनकी गाड़ी का खराब हो गया, 16,000 टर्बो गाड़ी है इनकी, तो दोस्तों हमारे पास आए लेके और टर्बो हाइड्रोलिक में। तो दोस्तों आज हम टर्बो करेंगे, जो कि आपने टर्बो देख लिया है किस तरीके से हमने खोला है प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों उस टर्बो को हम बिल्कुल जनवंत तरीके से करेंगे दोस्तों, उसमें कोई वो तुर्रम खाई बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, तो आप देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों ये 1590 की कोर है, जो कि 16,000 टर्बो गाड़ी के अंदर ये फिटेड है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये होगी कोर लीकेज, और लीकेज होने के बाद ये आए हमारे पास सही करवाने के लिए। तो दोस्तों हमने ये खोली और खोलने के बाद देखा इसमें काफ़ी मतलब डस्ट वगैरह थी। मगर दोस्तों ये बात तो सबको ही पता है कि अगर एयर फिल्टर चोक हो जाए तो कोर लीक हो ही जाती है, कोई भी गाड़ी का टर्बो हो तो वो लीक हो ही जाता है। मुझे लगता है कि सही करने का तरीका लोगों को पता ही नहीं है, इसे क्या करते हैं खोल लिया और धो लिया और फिट कर दिया। इसमें कई ऐसे काम होते हैं, बैलेंस चेक करना, फेस चेक करना, वो कौन चेक करेगा दोस्तों। तो मेरा मानना ये है कि उन्हें इस बारे में जानकारी है नहीं, उन्होंने सिर्फ टर्बो खोलना सीख लिया और फिट करना सीख लिया, तो इसके बाकी के जो कई लक्षण होते हैं वो ये नहीं जानते। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि टर्बो की जो शापट होती है वो ख़राब हो जाती है, उसमें कई लक्षण आ जाते हैं, किसी वजह से कोई दिक्कत आ जाती है उसमें, जैसे कि शापट कट जाना और रिंग सेट ख़राब हो जाना, इंपेलर जो है शापट का पंखा वो कट जाना। तो इन चीज़ों को देखते हुए, जैसे शापट कटने का है वो तो हर कोई देख लेगा, हाँ जी कट गई शापट आपकी, दूसरी डालनी पड़ेगी। शापट कटी भी ना हो और इंपेलर कट जाए वो किसी को पता नहीं लगता, क्योंकि वो धुएं में काला हो गया होता है पंखा, और वो किसी को नहीं इस बारे में पता लगता कि वो घिस चुका है, क्या है क्या नहीं है, तो कोई जानकारी नहीं होती। तो इसमें नुकसान होता है मालिक का, क्योंकि टर्बो, अब मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि ये कस्टमर मेरे पास आया था, तो इसने किसी अननोन से अपनी दूसरी गाड़ी की टर्बो करवाई थी, और उसकी जो कोर थी वो रिपेयर करवाई थी, टर्बो पूरा कंप्लीट था लेके आया था ये, तो उसकी जो कोर थी अंदर की उसमें जो कमी थी वो उन्होंने सही करवाई वहाँ से। तो सही करवाने के कुछ ही दिनों बाद वो टर्बो फिर वही पोजिशन में आ गया, लीकेज की पोजिशन में। अब क्या दिक्कत है क्या नहीं है वो तो मैं, मुझे पता नहीं है, बाकी ये है भैया मेरे हिसाब से तो उस भाई का नुकसान ही हो गया। तो अब खुद ही सोचो दोस्तों, ऐसे आदमी से काम कराने का तो क्या फ़ायदा हो सकता है। तो वो सडनली मेरे पास आए, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, तो काम को करने का जो तरीका है वो जानकारी होनी चाहिए, तो आप कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकते। स्टार्टिंग में वो कहते नहीं, वो शुरू शुरू में साइकिल चलानी सीखनी आती नहीं है, साइकिल तब भी तो चला ही रहे हैं हम और आज भी चला रहे हैं। तो साइकिल स्टार्टिंग में हमें बैलेंस बनाना नहीं आता ना, जब तक आपने किसी चीज़ का बैलेंस नहीं बनाया तो आप उस चीज़ में कैसे सक्सेस हो जाओगे दोस्तों। तो मेरा मानना यही है कि जिसे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो वो एक तरीके से समझ लो वो सीख ही रहा है, वो सक्सेस नहीं है, तो वो कभी ना कभी होगा, और तब तक के लिए गाड़ी वाले का नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान होता रहेगा। तो मेरा मानना तो यही है दोस्तों कि सही जगह और सही पोजीशन में काम को करवाया जाए। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि टर्बो कोर को धोया जा रहा है भरपूर तरीके से, जिससे कि उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या ना आए, कहीं से कचरा वचरा होता है, इससे धोने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। अब बॉडी को अगर अंदर से हम सही तरीके से धोएंगे नहीं, बॉडी के अंदर सुराख होते हैं कई किसी प्रकार के, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ही लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो सुराख किस चीज़ के लिए हैं, बस मेन सुराखों का पता होगा कि वहाँ से ऊपर से तेल डालना और वहाँ जाके तेल निकल के बाहर आ जाएगा छुट्टी। और भी कई तरह के सुराख हैं इसमें, वो जो मालूम ही नहीं है कि लोगों को इस बारे में, तो दोस्तों वो भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि एक सुराख तो इसके अंदर वो होता है जहाँ से थर्स्ट वगैरह का रास्ता होता है, वो सीधा बुशों को सप्लाई देने का रास्ता होता है। मुझे पता है इस वीडियो पर कमेंट जरूर आएंगे, क्योंकि मैं इसमें वो बात बता रहा हूँ कि जो कि नॉर्मली हर आदमी को पता है, मगर इसे धोने का तरीका तो मुझे लगता नहीं किसी को पता ही होगा। मेन तो धोने का तरीका ये है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन काफ़ी होने की वजह से, जैसे आप देख रहे हैं ना जहाँ सलाई में मार रहा हूँ, इसमें ऊपर वाले जो है जगह ऊपर वाली देख रहे हैं ना, वहाँ पे उस सुराख के अंदर ही सबसे ज़्यादा गंद जमा हुआ आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत हल्के हल्के तरीके से तेल आता है और वो प्रोड्यूस हो नहीं पाता, इसलिए शावट कटनी शुरू हो जाती है। तो ये कारण इंजन से भी संबंधित हो जाते हैं, क्योंकि इंजन में मोबिल सही ना डालने की वजह से भी हो जाता है, या काफ़ी समय तक इंजन की सर्विस या मोबिल सर्विस ना होने की वजह से भी हो जाता है। तो दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं कि कई बंदे ऐसे हैं कि जो टर्बो खोल तो लेते हैं मगर वो खोल के फिट ऐसे भी कराते हैं। और एक चीज़ और मैंने आपको बतानी है शापट बैलेंस का, तो टर्बो जब खोल लिया, जब आप हांडे पर चोट मार के से शापट को मतलब हांडा बाहर निकालते हो
तो शाफट में जगह तो होती नहीं, वजह से भी निकलने की। तो एक बात बताओ, वहाँ से टकरा के बाहर नहीं आती क्या वो? हैं, अब कई तुर्रम खां तो कह देंगे ला हम तो यूं कर देंगे और हम ती चाल में भी टर्बो चला देंगे, वो भी चला देंगे। तो ये तो एक शेगीबाजी वाली बातें हो गई कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हो गई। कस्टमर का देखो ना यार, अगले ने पैसे लगाने, पैसे देने तुम्हें और काम उसका वो करो सही बिल्कुल। अब जो टर्बो में तुमने दे दी दुनिया भर की चाल, फिर कहोगे कंपनी भी तो देती है टर्बो में चाल, जो नया कोर आता है चाइना का उसमें भी चाल आती है, होल सेट की भी उसमें भी चाल आती है, हल्की हल्की तेल निकलने की जरा जैसी चाल चाहिए चाहिए। मगर एक बात तो बताओ, जब तुम काम कर रहे हो तुम चीज़ के परफेक्टेड हो तो फिक्स करो ना बिल्कुल, माइक्रोन थाउजेंड में करो ना काम को बिल्कुल 00, जिससे कि काम का काम हो और फिक्स का फिक्स हो। तो दोस्तों मेरा मानना यही है और कुछ नहीं कहना चाहता हूं मैं दोस्तों। बाकी अब देखते हैं हम टर्बो असेंबल किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो शाफ्ट को बैलेंस करेंगे, जो कि आप देखेंगे लेथ मशीन पे मैं किस तरीके से शाफ्ट को बैलेंस करूँगा। अभी आपके सामने सेंटर टू सेंटर शाफ्ट को बांधना है, उसके बाद जाके हम डायल गेज से शाफ्ट को सीधा करेंगे, क्योंकि टर्बो तो हमने जो कोर थी उसकी वो धो ली है। अब जो है मेन शाफ्ट का काम रह गया है, जो कि मेन बैलेंस का ही करना होता है इसमें दोस्तों। इसके अलावा मैं तो आपको ये कहूँगा दोस्तों, जैसे कि कोई भी टर्बो खोलते हैं, जैसे कोई सी किसी भी प्रकार का टर्बो है, जब बड़ा है छोटा है कैसा भी है, अगर वो आपने टर्बो की शाफ्ट बैलेंस नहीं की तो समझ लो आपका टर्बो ख़राब होएगा। तो दोस्तों ये बात आप ज़रूर दिमाग में डाल लीजिए। मैं उन्हें भी कहूँगा जो टर्बो करवाने आते हैं और जो मैकेनिक हैं, उन्हें भी मैं ये बात कहना चाहूँगा, टर्बो की शाफ्ट या तो सीख लें या टर्बो की शाफ्ट जो है बैलेंस करना या करवा लेंगे चीज़ें, जैसे भी है ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टर्बो की शाफ्ट बैलेंस नहीं करते, 00 नहीं करते, तो दोस्तों टर्बो नहीं चलेगा दोस्तों। किस तरीके से चलेगा, 1.25 लाख 1,15,000 की समथिंग इसके चक्कर होते हैं दोस्तों। हल्की सी भी अगर शाफ्ट आउट होगी तो टर्बो एक तो आवाज़ करेगा हूँ हूँ की, और फिर उसके बाद टर्बो जो है बिल्कुल सक्सेस तरीके से नहीं चलेगा। तो दोस्तों मेरा मानना तो यही है, शाफ्ट बैलेंस कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि सेंटर सेंटर मैंने शाफ्ट बांध ली है, और डायल गेज द्वारा मैं शाफ्ट को चेक कीजूँगा, और चेक करते ही इसमें मुझे पता लग जाएगा कि कौन सी साइड से शाफ्ट मुड़ी हुई है। देखो डायल की सुई जो है आपको थोड़ी प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रही होगी, तो इसलिए मैं इसमें जूम करके भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डायल की सुई हिल रही है, तो शाफ्ट बैलेंस आउट है। तो दोस्तों ये सुई बिल्कुल ज़रा से भी नहीं हिलनी चाहिए, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तब ये बैलेंस कैसे करनी है ये आपको सीखना होगा, या आप कोई मैकेनिक से या कोई लेथ मशीन वाले से आप सीधी करा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं अब ये करता हूँ, मैं तो नॉर्मल से ही, क्योंकि मैंने तो ये काम सीख ही लिया था जैसे मर्जी करके, तो मुझे तो पता है सीधी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, क्या है कैसे नहीं। तो दोस्तों अब आप देखेंगे किस तरीके से हम शाफ्ट को सीधी करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं शाफ्ट पे जो है सुनारों वाली चोट मारनी पड़ती है, तो उस तरीके से ही चोट मारकर इसे शाफ्ट को बैलेंस में किया जा सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब जो डायल गेज में आप देखेंगे कि जो है सुई हिलने का नामो निशान ख़त्म हो चुका है, जो कि पहले सुई आप काफ़ी तेज़ी से देख रहे थे हिल रही है। तो दोस्तों शाफ्ट कर दी है बैलेंस, मुझे इतनी उम्मीद है कि टर्बो की शाफ्ट कोई बैलेंस नहीं करता होगा कंपनी को छोड़ के। कंपनी शाफ्ट बदल देती है मगर बैलेंस नहीं करती, मगर मैं बैलेंस करके ही फिट करता हूँ। टर्बो तभी सक्सेस हो सकता है जो अगर टर्बो की शाफ्ट बैलेंस हो, अगर बैलेंस नहीं है तो सब तुर्रम खाएंगे फिर वो। दोस्तों टर्बो खोल लिया और धो लिया और फिट करके दे दिया, लो जी हो गया आपका टर्बो। तो दोस्तों वो सारा काम बेवकूफ़ गिरी है, क्योंकि जब टर्बो की शाफ्ट हल्की सी बैंड है, हल्की मुड़ी हुई है, आप डायल गेज में देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर वो टर्बो सही कैसे चलेगा? तो मेरा मानना ही है कि टर्बो शाफ्ट बैलेंस होनी चाहिए, तो लाजमी होनी चाहिए। तो दोस्तों अब आगे करते हैं टर्बो को फिट, जो आप देखेंगे वीडियो में। बने रहिए वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखना दोस्तों। दोस्तों शाफ्ट बैलेंस कर ली थी हमने, जो आपने देखी है, और उसमें बुश जो है फिक्स वाले हमने
डाल दिए हैं। दोस्तों जो बुश है वो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ, कंपनी के जो यूज़ होते हैं वही सेम मेटल होता है दोस्तों, उसी कंपनी के मैं ये वाले बुश यूज़ करता हूँ जो कि फिक्स होते हैं दोस्तों। और जो कंपनी के आते हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ आता है जो कि हल्की हल्की वो प्ले शो करता है, तो मैं बिल्कुल प्ले नहीं शो करता क्योंकि टर्बो जो मैं करता हूँ बिल्कुल एकदम 0.0 माइक्रोन में ही करता हूँ, जिससे कि कोई भी टर्बो में मेरे कीओ में समस्या ना आए किसी भी प्रकार से। तो दोस्तों कस्टमर अपने पैसे लगाता है किसी काम कराने के लिए, तो उसके काम हमें संतुष्टि से भरपूर तरीके से कर देना चाहिए, ना कि उसमें कोई तोड़म खाई करनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शापट जो है मैंने उसमें डाल दी है और बुश वगैरह उसमें डाल दिए गए थे। ये वाशर है दोस्तों, ये वाशर डालनी होती है, इसके बाद इसके ऊपर ठस्ट आएगी जो कि आप देखेंगे किस तरीके से डालेंगे। मैं भी ऑयल लगा लिया है और उसमें लगा दी गई है, और इसके बाद जो है रिंग लगाना होगा दोस्तों, और रिंग लगाने के बाद जो है इसकी बैक प्लेट आएगी, तो बैक प्लेट की जो है वो हमें चेक करनी होगी उसकी क्या कंडीशन थी, जो कि हमने चेक करके उसे भी हमने डाल दिया है वहाँ पर, और शापट के बीचों बीच सेंटर में फंसा दिया, और लॉक साइड लगा के लॉक उसकी साइड से खांचे में चोटें मारी हैं इसलिए, जिससे कि लॉक पूरा प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। दोस्तों इंपेलर लगा दिया गया है इसका, अब जो है हमने टाइट कर देना, और जो कि हमने टाइट कर दिया है टर्बो तैयार। दोस्तों अब जो है हमने सिल्वर होजिंग जो है इसे हमने इसमें फंसाना है, और जैसे इसमें फंसाते हैं तो हमें इसका लॉक सेट लगाना होगा, जो आप देखेंगे लॉक सेट हम किस तरीके से लगाते हैं। ये हमें थोड़ा सा इसे घुमा के चेक करना होता है क्योंकि जो इंपेलर है वहाँ टच ना हो कहीं भी, या टेडी वगैरह फिट ना हो जाए, निशान के सामने निशान पर लगाना होगा। और हमने चेक किया कि जी की आवाज़ तो नहीं आ रही है, कहीं टकरा तो नहीं रहा है पंखा, तो ये साउंड आनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब जो है अब आप देखेंगे कि हम इसमें लॉक लगाएंगे इसके ऊपर, और जो कि लॉक है बहुत ध्यान से लगाना होगा क्योंकि लॉक हल्का सा भी छूट के इधर उधर भाग ना जाए लॉक लगवाते हुए, क्योंकि छूटने का खतरा रहता है उसका, क्योंकि काफ़ी टेम्पर्ड होता है वो और काफ़ी टाइट भी होता है। टाइट का मतलब इतना टाइट भी नहीं होता कि जो दबेगा ही नहीं, टाइट होता है मतलब उसके को सिल्वर होजिंग के अकॉर्डिंग टाइट होता है। और जैसे कि आप देखते हैं मैं पहले जम्बूर से कोशिश की, फिर मैंने बड़े नोकला से कोशिश की, तो मैं हर चीज़ में सफल रहा, मगर लास्ट में जम्बूर से ही सेट बैठ पाता है, क्यों आदत बन चुकी है जम्बूर से ही निकाल लेंगे, बाकी इतनी बड़ी प्लास्टिक रखी हुई है वो उससे मुझसे निकल नहीं पाता, बाकी जम्बूर से बड़े आराम से निकल जाता है लॉक और फिट भी हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टर्बो रेडी है, सिर्फ अब जो है जिसका हांडा है उसके अंदर हमने इसे फिट करना है। आप देखेंगे किस तरीके से मैं इसे फिट करूँगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो साइड का नीचे का बोल्ट जो है वो स्टड था उसमें ही सीज हो रखा था, और जो कि मैंने वेल्डिंग किया इसे नट और उससे पाने से मैं खोल रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यार से और जोरिक स्प्रे से आराम से और मुबले लाल डल के इसे बाहर निकालना है, क्योंकि ये स्टड जो है नया लगाया जाएगा, क्योंकि ये टूट चुका था वहाँ खोलते वक्त, मिस्त्री ने जब इसे खोला था तो ये टूट गया था। तो दोस्तों अब जो है इसे मैं देख रहा हूँ किस तरीके से आराम आराम से खोल रहा हूँ, किस तरीके से ये मतलब कि हल्का वापस और का फिर खोलना ये करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि वहाँ अंदर अगर गंदगी या मिट्टी वगैरह जो जमी होती है, जो जंग लगा हुआ था अंदर, तो वो उसे पकड़ बनाए रखता है, वो खुल जाता है फिर उसके बाद, और जो एक्सप्रेस आराम से खुल जाता है वो दोस्तों देखो आराम से खोलेगा ना। तो अब करेंगे दोस्तों असेंबल, ऊपर से ये हमने बांख में टाइट कर दिया इसका हंडा। दोस्तों इसमें भी फंसाने का एक प्रोसेस है, इसे फंसाना तो कहना कोई भी फंसा देगा, क्योंकि ये बीच में हंडे में जो होता है ना वहाँ पे हल्का हल्का इसमें मतलब जर लगा हुआ होता है, उसे भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, साफ़ करके प्रॉपर तरीके से हाथ से बैठना चाहिए और इंपेलर वगैरह वो टकराना नहीं चाहिए। तो अगर इसे हम गलत तरीके से फिट कर देते हैं तो इंपेलर जो है वह बॉडी में टकराएगा और फिर टर्बो एक्सीडेंट हो गए, टूटने की पूरी पूरी संभावना है। और दोस्तों ये देखिए अब मैंने आपको दिखाना था कि जो है टर्बो रेडी किया है, और देखिए इसमें चाल मैंने कितनी छोड़ी है आप खुद देखेंगे, ये देखिए है कुछ ना बराबर ही है, तो मेरा इसी तरीके से करने का तरीका है काम को, और बहुत ही मतलब परफेक्ट है, चलेगी 100 के 100% चलती है टर्बो की हुई, और ये नहीं है कि नहीं चलेगी, ऐसा कुछ मैटर नहीं है। तो आप अगर कोई टर्बो आपके साथ परेशानी हो रही है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में भी शो हो जाएगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का टर्बो अगर आपके इसमें समस्या आ रही है तो हम उसका हल कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब जो है इन भाइयों का टर्बो हमने फाइनल कर दिया है। भाई टर्बो तुम्हारी कैसी हो गई? बढ़िया हो गई। क्या कंडीशन है? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भाइयों को भी कहना टर्बो हाइड्रोलिक के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है भाई। तो दोस्तों टर्बो फाइनल हो गया है और ये लेके जाएंगे कहाँ? लंडोरे, रुड़की के पास पड़ता है। एक्चुअली क्या है, मुझे थोड़ा छोटे मोटे शहरों का नाम मुझे मालूम नहीं है, तो जैसे रुड़की के पास मंगलोर पड़ता है, एक लंडोरा भी पड़ता है, तो मुझे तो उस शहर का ही नाम था पता। और जो सब्सक्राइब करना, और ऐसी ऐसी अगर वीडियो आपको भविष्य में देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।